मेरे और आप में फर्क एक होगा भाई साहब, अभय जी ने जो बोला ये सच्चाई है, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, अब जाने की बारी आ गई, अब तक वो लगा नहीं है, सीसी कैमरे भी लगे, क्यूआर कोड भी लगेगा, ये कहां की बात हुई, अब तो विदाई का टाइम आ गया। आप तो गब्बर कहते हैं, गब्बर जी आपकी आंख के नीचे दीवा तला अंधेरा कैसे हो रहा है। मेरा और आप में फर्क एक होगा भाई साहब, नहीं वो वही एक फर्क होगा, आपने तो ये मान लेते इंटेंशनली बोल रहे हो आप, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो उस पर मोहर लगा रहा हूँ, ये पक्की बात है, घोटाला हो रहा है। मैं तो एक बात दे रहा, सवाल ये है जी, सबसे पहले तो ये विषय चिंता का विषय है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की जहरीली शराब से हमारे हरियाणा के नागरिकों की मृत्यु हो रही है, और ये आज कोई पहली बार नहीं हो रही, एक साल पहले पानीपत में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें भी काफी मौतें हुई थी। इस प्रकार की घटनाओं को रोका कैसे जाए, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से उसका कोई फायदा नहीं, हमें इस चीज को रुकावट किस प्रकार से रोक के अपने प्रदेश के लोगों को सेव करें, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रही बात जो बात करें, मंत्री जी ने इसमें जवाब में दिया है कि 5 वर्षों में, तो मंत्री जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने करीबन 6-7 महीने पहले आपको एक रिटर्न में दिया था मेरे महम का मुद्दा, और मेरे यहां जितनी मौतें, इससे लगभग इतनी मौतें मेरे अकेले महम शहर में पिछले 4 साल में हो चुकी है, मैं इस बात का आपको विवरण, और उसमें कईयों की तो मैंने आपको जो दिया था रिटर्न में, एक दो उसके मैंने की दी है, चिट्टा बेचने वालों की मैंने कंप्लेंट की थी, उसी दौरान 3-4 घर ऐसे बर्बाद हुए थे जिनके इकलौते बच्चों की डेथ हुई थी, शायद आपके रिकॉर्ड में वो होंगे भी नहीं, सिर्फ आपने पूरे हरियाणा में 34 की बात की है, 34 मौतें हुई हैं ओवरडोज की वजह से, उस टाइम का ताजा डेटा मेरे 1-1.5 महीने के अंदर 3-4 परिवार ऐसे थे जिसमें इकलौते लड़के थे, और वो मैं रिटर्न में आपको देके गया था। तो ये तो पहले तो आप इस रिपोर्ट को दुरुस्त कराओ, ये रिपोर्ट जिस भी अधिकारी ने आपको दी है टोटली गलत है, ये अभय जी ने जो बोला ये सच्चाई है कि गांव में ओवरडोज की वजह से सैकड़ों बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, इसको आप इस जो जिस अधिकारी ने भी आपको ये गलत मिसलीड करने के लिए जो रिपोर्ट आई है, इस प्रकार को उसको सीरियस ले गए ताकि गलत रिपोर्ट कोई आपके सामने समझ ना रखे, ये बहुत गंभीर विषय है। और दूसरी बात, ये पेटियां कम होना आबकारी विभाग के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल चला आ रहा है, और ये QR कोड की और ये कैमरे लगाने की बातें हम पिछले 3 साल से सुनते आ रहे हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला के QR कोड लगाने जा रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये हमने 4-3 साल पहले सुनी थी इसी सदन में, हम ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं, हम इतना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, अब जाने की बारी आ गई, अब तक वो लगा नहीं है, सीसी कैमरे भी लगे, QR कोड भी लगेगा, ये कहां की बात हुई, अब तो विदाई का टाइम आ गया, जनता तैयार बैठी विदाई करने को, और आप उसको लगाने की बात कर रहे हैं जी, प्रश्न ये प्रश्न है जी, बहुत गंभीर प्रश्न है, जिस QR कोड को और जिस कैमरे लगाने की बात है, ये कैमरे QR कोड कैमरे उन्होंने शराब को रोकने के लिए डिस्टिलरी में के अंदर और बोटलिंग प्लांट के अंदर हम कैमरे लगा के और उस शराब की बोतल के ऊपर QR कोड लगाने की जो बात करते हैं वो कब होंगे पूरे, जब इतनी मौतें हो चुके 4 साल पहले बड़ी बड़ी दावेदारी की जा रही थी, हम रोक के इसको ऐसे करेंगे, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। और एक दयालु योजना का जिक्र किया है माननीय मंत्री जी ने अपने इसमें, जिसमें सिर्फ 8 लोगों को जो है वो हेल्प देने की बात की है, मौतें इतनी होगी सबको क्यों नहीं हुआ, इसको हटा ही देते कम से कम, ये तो पता नहीं लगता सिर्फ आपने 8 लोगों को गरीबों को दिए। और एक वो खरखोदा की जो बात हम पिछले इतने दिन से उठी है, उसमें एक गरीब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक चपरासी की नौकरी पे उसमें लगा था, उसको मोहरा बनाकर उसके ऊपर वो जो है रिपोर्ट खत्म कर दी, जो वास्तव में उसके अंदर संपलित थे, जो लोग जो अधिकारी थे, जो मठाधीश थे, जो इसके बड़े जो ऊपर से जिनको बहुत मोटा संरक्षण था, वो लोग तो कहीं जिक्र में ही नहीं है। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके एक्शन लो, और ये तो आपके हल्के उसका क्षेत्र का अंबाड़ा कर यमुना नगर का है, आपको गब्बर कहते हैं, गब्बर जी आपकी आंख के नीचे दीवा तला अंधेरा कैसे हो रहा है, ये आप देखो ना, इतनी बड़ी वो चीज है, आपका नाम है, हम आपका वो सब रिस्पेक्ट करते हैं आपके नाम का, एक या आपके आश्वासन पे विश्वास भी करते हैं। पहली बार हुआ है कि हर कनेक्टेड आदमी को अरेस्ट किया गया, बनाने वाला, जगह देने वाला, जगह दिलाने वाला, बोतलें सप्लाई करने वाला, स्टिकर सप्लाई करने वाला, ढक्कन सप्लाई करने वाला, ठेकेदार को, जो ओरिजिनल ठेकेदार था उसको भी गिरफ्तार किया, उस ठेकेदार ने जिस
ट किया, उसको भी गिरफ्तार किया। फ्लैट ठेके से जो करिंदों ने बेची उनको भी गिरफ्तार किया। पहली बार हुआ है कि एक भी आदमी नहीं छोड़ा हमने, एक भी, सिर्फ एक आदमी भागा हुआ अभी तक, वो हमारे काबू नहीं आ रहा और हम उसको भी पकड़े। सिलसिला रुक क्यों नहीं? जैसे ही संज्ञान में मामला आया, पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ और मुस्तैदी के साथ काम किया। एक एक आदमी को डेड एंड तक, आप एक आदमी बता दो कि वो बनता था, उसको नहीं पकड़ा है। हर व्यक्ति को इसमें हमने गिरफ्तार करा और इतनी गिरफ्तारियां तो कभी हुई नहीं, पहली बार इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं। नीरज शर्मा जी, एक मिनट हो गया भाई। एक बात आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। वो जो मुद्दा जो परसों का आप ले रहे थे ना, उसको तो अपने बीच में रहने दीजिए। अगर सीटिंग जज से करवाना है ना, तो इस मुद्दे के करवाइए। चलिए, इस शराब घोटाले को, इसको देखिए, अमृत योजना घोटाले को, और टेंडर घोटाले को, और शुगर मिल का जो सीरा घोटाले को, इसका सीटिंग जज से करवाइए, तब मजा आएगा। चलिए नीरज, हमारे आपसी मुद्दे को वहां मत ले जाइए। नीरज शर्मा जी।